सीधे मैं चलता हूँ युवराज के पास। युवराज, मैं लगातार देख रहा था आप जो लिख रहे थे सोशल मीडिया पर और बाकी जगह पर मैं पढ़ रहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्वान के बारे में, ये जो संस्मरण हमने लोगों से सुने बिल्कुल घटिया दोयम दर्जे के, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने खुद स्ट्रगल किया इतने साल, आपको कुछ ऐसे इनकाउंटर्स मिले इस तरह की टैलेंट एजेंसीज के पास, किसी के पास आप गए हो, किसी ने आपको अनड्यू ऑफर किया हो, और क्या महसूस किया आपने उन जगहों के बारे में? देखिए, मैंने कल खुलासा जो करा था क्वान के बारे में भी और बाकी जो इंडस्ट्री में ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, क्वान मेरे सामने कंपनी फॉर्म हुई थी और मैंने ये देखा कि ये लोग जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस बिहेवियर से ये लोग लोगों के साथ डील करते हैं, खासकर जो बात पायल कह रही हैं और अंबर कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं कि ये लड़कियों को पहले इनसाइट करते हैं, उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनको थोड़ा सा झांसा देते हैं कि तुम्हें फिल्म देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने पूरे नेटवर्क में फंसाते चले जाते हैं। और जैसे बड़े बड़े स्टार्स इनकी फोटोज देखते हैं लड़कियों की, बोलते हैं यार ये लड़की अच्छी है, ये खूबसूरत है, इसको हमारे यहाँ भेजो, होटल में भेजो, और फिल्म के नाम पे, कास्टिंग के नाम पे इन लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा, एक तरह से मैं बोलूंगा ब्लैकमेलिंग की जाती है, और ना सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी करी जाती है, और उनको बारी बार ये डाला जाता है कि देखो तुम अगर किसी के साथ सेक्सुअल फेवर में आओगे तो तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, और अगर तुम इनके साथ ड्रग्स करोगे तो ये तुम्हें पसंद करेंगे। तो जो बाहर के लोग हैं वो इवेंचुअली अपना सब कुछ गिव अप करके इनके झांसों में आ जाते हैं। और कमाल की बात दीपक जी इसमें ये है कि ये वो फिल्म देते भी नहीं है, उसके बाद ये और ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने जाके किसी को कुछ बोला तो हम तुम्हारी फोटो मीडिया में छोड़ देंगे, हम तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो इस प्रेशर में आके लड़कियां, लड़के सुसाइड की तरफ या घर भागने की तरफ, इस तरफ भागते हैं, और डेस्परेशन में आके वो कुछ गलत काम कर जाते हैं या ड्रग एडिक्शन में भी फंस जाते हैं। तो ये एजेंसी सिर्फ क्वान की बात नहीं हो रही, एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें उदय सिंह गौरी इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, मैंने 4 से 5 फिल्में फाइनेंस करी हैं और मेरे को खुश करने की कोशिश ये लोग बहुत करते थे, और इनकी एक ही बात घूम फिर के आती थी कि यार इतना पैसा आप यहाँ लगा दो तो हम ये आपके लिए कर देंगे, इतना पैसा आप यहाँ लगा दो तो ये आपके लिए हम कर देंगे। और मैं इनको बोलता था देखो भाई मुझे इन चीजों में कोई ज्यादा शौक नहीं है, मेरे को ये बताओ कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। और इनके पास हमेशा कोई दूसरी बात, और लड़कियों की तो इनके पास लिस्ट होती है कि ये लड़की ये कर देगी, वो लड़की वो कर देगी। आप उदय सिंह गौरी का नाम ले रहे हैं, उदय सिंह गौरी वही शख्स हैं जो हाल ही के दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में भी आए थे और सुशांत सिंह राजपूत की फर्म से भी उनका लेना देना था। आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप स्टैंड करेंगे उदय सिंह गौरी के इन आरोपों को लेकर? मैं बोल रहा हूँ कि उदय सिंह गौरी का ऑलरेडी नाम तो आ चुका है, मैंने तो उदय सिंह गौरी को पकड़ा नहीं है, उदय सिंह गौरी ऑलरेडी इंक्वायरी में है। और अगर आप उदय सिंह गौरी की फोन डिटेल्स चेक कर लें और उनका रिलेशनशिप रिया चक्रवर्ती के साथ आप चेक कर लें तो सारी पोल खुल जाएगी, उदय सिंह गौरी के फोन से सब पता लग जाएगा आपको, ध्रुव के फोन से आपको सब पता लग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेक्सस है, खासकर दीपक जी लास्ट 5 से 7 सालों में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और ये जितने भी ये फिल्म के ये जो सो कॉल्ड टैलेंट मैनेजर्स, एजेंट्स, सब एजेंट्स, छोटे छोटे दलाल, ये पकड़ पकड़ के लड़कियां लड़के लाते हैं और इनको कैसे इन जालों में फंसाते हैं, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व है नीचे से ऊपर। मैं किसी स्टार का नहीं बोलूंगा, एक आदमी का नहीं बोलूंगा, नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बहुत बड़ा मनी मेकिंग रैकेट है।
पर आप बताइए ईडी इनकी इंक्वायरी क्यों कर रही है, इनके पैसों की फंडिंग की इंक्वायरी क्यों हो जा रही है? ठीक है, मैं ड्रग डीलिंग का आप ड्रग्स क्यों सप्लाई कर रहे हैं? आप टैलेंट मैनेजर हैं, आप जा जाके क्यों इनको कोकेन और हशीश और ये सब दे रहे हैं? ये आपका काम तो है ही नहीं।